लेडीलॉयल हॉस्पिटल में संकल्प सेवा संस्था द्वारा निशुल्क आरओ के पानी का प्याऊ लगाया गया, जिससे भीषण गर्मी में मरीजों के तीमारदारों को शुद्ध पीने का पानी मिल सके। संकल्प सेवा संस्था के लोगों ने बताया कि आगे एसएन मेडिकल कॉलेज में भी आरओ प्लांट लगाया जाएगा। इसी ध्येय को बना करके हम विगत 10 वर्षों से शुद्ध आरओ के पानी को घड़ों में शीतल करके विभिन्न सरकारी प्रतिष्ठानों में आम जनता को जल सेवा के माध्यम से, प्याऊ के माध्यम से उनकी सेवा कर रहे हैं। और हम विभिन्न सरकारी प्रतिष्ठानों में एसएन हॉस्पिटल की ओपीडी में, लेडीलाइल में शुरू कर चुके हैं आज। उसके बाद हम इमरजेंसी, दीवानी, कलेक्ट्रेट और ईदगाह बस स्टैंड पर शीघ्र ही इस सेवा को शुरू करने जा रहे हैं। पानी के लिए हमारे यहाँ आरोप दोनों ठीक करवा दिए गए हैं, और इसके अलावा संकल्प जो संस्था है उसने आज हमारे यहाँ प्याऊ लगाई है, जिसमें वो फिल्टर किया हुआ आरओ पानी लाएंगे और उसको घड़ों में भरकर शीतल जल पब्लिक को पिलाएंगे। और इसके अलावा एक और हमारे यहाँ निःशुल्क प्याऊ चल रही है, दो प्याऊ हमारे चल रही हैं और दो आरओ चल रहे हैं हमारे यहाँ। क्या कुछ कहना चाहिए ऐसी संस्थाओं के लिए जो इस समय काम कर रही हैं शहर में? मैं इन सभी संस्थाओं का बहुत ही आभार व्यक्त करूँगी, क्योंकि इतनी गर्मी में जब पानी ठंडा और स्वच्छ पानी बहुत ज़रूरत है इसकी, वो सब अपने साधनों से हम लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। पानी की व्यवस्था के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे हॉस्पिटल में आरओ दोनों ही साफ करा दिए गए हैं, आरओ चल रहे हैं, और अभी आज ही हमारे यहाँ संकल्प सेवा द्वारा एक प्याऊ लगाया गया है, जिस प्याऊ में उन्होंने आरओ का पानी घड़ों में ठंडा कर करके लोगों को निःशुल्क पिलाया जा रहा है, और वो संस्था शुरू हुई है और उसके तहत सभी को ठंडा जल मिलेगा। और जल तो एक बहुत बड़ा दान है, बहुत सर्वोत्तम दान है, उसके लिए बहुत हम उनका आभार व्यक्त करते हैं कि भाई उन्होंने हमारे यहाँ इतनी अच्छी व्यवस्था कर दी है, एक और भी कि जिससे लोगों को और पानी मिल जाएगा। पानी की हमारे यहाँ अपनी भी व्यवस्था है, साथ ही ये हो गई है तो और ज़्यादा लोगों को सुविधा हो गई है।